देखिए 13वां अध्याय शरीर और आत्मा का भेद बताता है कि हम किस प्रकार से शरीर को अपने आप से अलग करें और आत्मा की सुने। और अब इसको थोड़ा सा वो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा 14वां अध्याय वो कहता है कि जो शरीर से हमारा बंधन है वो प्रकृति के कारण होता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग। और जब गुणत्रय विभाग योग की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जब आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाता है तो अब आप परमात्मा को समझने की स्थिति में आने लगते हो। वैसे ईश्वर को समझने का प्रयास आप जितना करोगे उतना कठिन होते जाएंगे ईश्वर। तो कई बार क्या होता है, आप विचार करते जाते हो, जितना ज्यादा आप चिंतन करते हो, जितना ज्ञान की तरफ बढ़ते हो, उतना आप ईश्वर से दूर होते जाते हो, क्योंकि फिर संशय बहुत होते हैं। और जिस समय आप छोड़ देते हो सब कुछ ईश्वर के ऊपर, तो आप समझ लो कि आप बेहतर हो सकते हो। तो आपको तीन गुण पता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तीन गुण है ना अपने। तो इन्हीं गुणों से हमारा शरीर प्रभावित होता है और आत्मा से हम दूर होते हैं, यही है ना। तो इसमें उन्होंने लिखा है, पहला ही लाइन आप सुनिएगा संस्कृत श्लोक में, वह है परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तमम यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे सिद्धिमितो गता। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, ज्ञान में उत्तम, ज्ञानमुत्तमम यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे सिद्धिमितो गताः। मतलब वो कह रहे हैं ज्ञानों में भी अब उत्तम ज्ञान क्या है, अभी तक तो भक्ति था, अब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान क्या है। तो जो लोग ज्ञान से शरीर को आत्मा से पृथक मानना शुरू कर देते हैं और मान लेते हैं, वही सर्वोत्तम ज्ञान है, ठीक है। वो किसी भी बात से व्यथित नहीं होते। और आपको यदि याद हो, आचार्य जयशंकर ने एक पुस्तक लिखी थी चंद्रगुप्त, उसमें उन्होंने कहा था कि जिसको भूमा का ज्ञान हो जाता है उसको नश्वर चीजें व्यथित नहीं करती हैं। अब ये भूमा क्या है, भूमा का मतलब ब्रह्म। तो क्या कह रहे हैं कि जिसको, आचार्य जयशंकर चंद्रगुप्त नाटक में क्या कह रहे हैं, जिसको भूमा का ज्ञान हो जाता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसको ये नश्वर चीजें व्यथित नहीं करती हैं। वो चाहे सृष्टि की पुनर्संरचना हो रही हो, चाहे सृष्टि में महाप्रलय आ रहा हो, उनके लिए सब बराबर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है मरने वाला तो शरीर है, आत्मा तो अमर है, अजर है। तो मैं ना तो पैदा होता हूं ना मरता हूं, मैं तो सदा से हूं, ये कृष्ण कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए किसी भी तरीके से वो विचलित नहीं होता है। तो प्रकृति जन्य गुणों से हम बंध जाते हैं, ये प्रकृति का गुण है जो हमको बांध देता है। और जब हम इससे बंध जाते हैं तो यही कहानी हो जाती है। और इसीलिए 5वां श्लोक जो है वो कहता है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये 5वां है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा तिबध्यन्ति महाबाहो देहे देहि नम व्यव्यम देहि नम व्ययम, ठीक है। तो प्रकृति से उत्पन्न वाले कौन से हैं, सत्व रज और तीन, यही तीनों गुण हमारे शरीर को बांधते हैं, ये हमको प्रकृति देती है। और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति शरीर को मैं मान लेता है, ये तो मैं हूं जबकि आप हैं कहां, ठीक है। तो ये माना कि सतोगुण सात्विक और शुद्ध है, शांति देता है, सरलता देता है, रजोगुण सांसारिक कर्म देता है, लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करने की बात करता है। लौकिक उपलब्धियां मतलब मंडेन अचीवमेंट्स, उसके लिए काम करता है। और तमोगुण या ज्ञानता है, तामसिक है, आलस्य है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो तीनों गुण हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो,
तमोगुण हो, ये तीनों हमारे लिए बंधनकारी हैं, ठीक है। और इसीलिए जो छठा श्लोक है उसमें कह देते, यही बांध देता अपने को, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, तत्र सत्वम निर्मलत्वा तत्प्रकाशक मनायम सुख संगेन बंध्याति ज्ञान संगेन चानघ। तो भले ही जो हमारा सत्व है वो शुद्ध है, वो हमको ज्ञान देता है, स्वास्थ्य देता है, लेकिन ये खुशी और ज्ञान से हमको बांध देता है। सिनलेस है, ये पाप नहीं है इसमें, लेकिन बांध देता है। तो प्योरिटी, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए, एथिकल लिविंग होनी चाहिए। तो ये अपने पास होना चाहिए सत्व गुण। रजस गुण, इसके बारे में कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिमा, ठीक है। ये पैशन है, अटैचमेंट है, डिजायर है, और ये एक्शन से हमारे आत्मा को बांधती है। ये अनएथिकल बिहेवियर भी लेके जा सकता है। और तमस गुण, ये इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। तमस्त्व ज्ञान ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमालादस्य निद्राभिस्त निबंधनाति भारत। तो ये कह रहे हैं तमस गुण जो है इग्नोरेंस है, तो हमें इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। तो उनका कहना है कि इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाओ तुम, ट्रांसेंडिंग दीज थ्री गुणाज। और इसीलिए इसका जो कहना है गीता में, श्री कृष्ण का जो कहना है, वो कहना उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्तेत्येवो योवतिष्ठति नेंगते। तो जो इनडिफरेंट होता है, निराकार होता है, निर्विकार होता है, इन गुणों से भी प्रभावित नहीं होता है, जिसको पता है ये गुण ही कर्म कर रहे हैं, वो दृढ़ भी होता है और आगे भी बढ़ता है। और फिर वही बात, जब इन्होंने कह दिया ये तीनों गुण ही हमारे लिए, हमको प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति हमको बांध देती है, इनसे अलग होना है। और इसीलिए सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संतुति। ये 24वां श्लोक है, सेम कहानी है, प्लेजर और पेन में समान होना चाहिए, सुख और दुख में समान, ठीक है। जो पृथ्वी को सम्मान देता है, पर्वतों को सम्मान देता है, पत्थरों को सम्मान देता है, और स्वर्ण को भी एक जैसा देखता है, ठीक है, जो उसके लिए प्रशंसा और अपमान एक जैसा है, वो सबसे बेहतर है। तो ये तीनों गुणों से भी हमको मुक्त होना है, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि तीनों गुण में कहीं ना कहीं हमको अहंकार आता है कि हम सतोगुण वाले हैं, तो अहंकार ही हो जाता है। एक पूजा आदमी कर रहा है, वो कहता है हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, उसके अंदर गुण कैसा है तो सतोगुण वाला, लेकिन मन में उसके रजोगुण भी और तमोगुण भी है। तो इन बंधनों से ही मुक्त होना है, यही 14वां अध्याय है। इसलिए इसको ध्यान रखना कि हमको कभी भी अपने 24वें और 25वें श्लोक को इसको ध्यान में रख लोगे तो काम हो जाएगा। तो कभी भी जब तुम इसको पढ़ते हो 14वें चैप्टर को, तो हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है, ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए समझ में आने वाली बात है। अब क्या हो गया, उन्होंने तीन गुणों की बात कर ली, तो 14वां क्या है, तीन गुण, तीनों गुण प्रकृति से मिलते हैं और तीनों गुण हमको बांध देते हैं और इस शरीर को बांधते हैं, इनसे हमें मुक्त होना है, ठीक है। और ये हम जब कर लेंगे तो कम काम हो जाएगा। तो जब भी हम इसको बात करते हैं तो ये हमारा एक बड़ा सरल सा कहानी बनती है कि हम इसको ठीक से पढ़ लें, बस बाकी कुछ नहीं है।